हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बायोटेक्नोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो है प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस में, प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो आप मेरी लास्ट वीडियो देखिएगा जो मैंने मेंशन करी हुई अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उन वीडियोज में मैंने डीएनए टेक्नोलॉजी की जो आरएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उसके कुछ प्रोसेसेस को पूरा एक्सप्लेन करा है मैंने, जैसे प्लाज्मिड है, वेक्टर है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, तो उन सबको मैंने पूरा एक्सप्लेन करा है। अब हम यहाँ पे लेते हैं कि जब हमारा, हमने उसमें देखा कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे फॉर्म्ड होता है और उसको हम लोग वैक्टर के उसको हम हॉस्ट के अंदर किस तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं। अब हम यहाँ पे पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लेते हैं कि किस तरीके से एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पूरे स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से प्रोसेस में आती है। तो इनके स्टेप जो है प्रोसेसेस के, फर्स्ट स्टेप जो है वो क्या होता है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। फर्स्ट स्टेप क्या है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, जिसमें हम डीएनए को जिस सेल से भी, जिस ऑर्गेनिज से हमको लेना होता है वहां से आइसोलेट करना, फिर उसको फ्रेगमेंटेड करना। डीएनए जो हमने आइसोलेट करा है उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के हेल्प से क्या करना, फ्रेगमेंट लेना, उसका निकालना। तो क्या स्टेप हो गया, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स। थर्ड स्टेप में जो हमने ये फ्रेगमेंट लिया है उस फ्रेगमेंट को हम डिजायर्ड फ्रेगमेंट को आइसोलेट कर लेते हैं, ठीक है, उसमें से हम जो डीएनए है पूरा उसमें से हम पूरा अलग निकाल लेते हैं। फिर उसको एम्प्लीफाइड करना, जो डीएनए है उसको एम्प्लीफाइड करा जाता है, तो प्रोसेस हुआ एम्प्लीफिकेशन ऑफ द जीन इंसर्ट। फिर उसके बाद लाइगेशन, जब हमने डीएनए को एम्प्लीफाइड कर लिया तो अब हम क्या करेंगे, लाइगेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट इनटू अ वेक्टर, यानी कि अब हम इसको क्या करेंगे, वेक्टर के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे, और वेक्टर के अंदर इंट्रोड्यूस होने के बाद क्या बन गया, वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए। उसके बाद जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया तो अब उसको हम किसमें इंसर्ट करेंगे, होस्ट में। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आया, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट, यानी कि हमने अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसके अंदर डालेंगे, होस्ट के अंदर। फिर उस होस्ट सेल की कल्चरिंग कराते हैं, कल्चरिंग ऑफ द होस्ट सेल, नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, जब होस्ट सेल कल्चर हो गया, उसके अंदर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया, जीन बन गए, तो उसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ द डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट। और जीन प्रोडक्ट जब हमारा एक्सट्रैक्ट हो जाता है तो वो हमारे लिए मार्केटिंग के लिए, मार्केट के लिए अवेलेबल हो गया, तो उसको मार्केटिंग कराई जाती है, तो वो प्रोसेस कहलाता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो इन 9 स्टेप्स में एक पूरी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पूरी कंप्लीट होती है। तो अब हम पहले यहाँ पे फर्स्ट स्टेप लेते हैं। तो इस स्टेप में, आइसोलेशन ऑफ डीएनए में, हमें डीएनए को आइसोलेट करना होता है। तो जनरली जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सबके पास जेनेटिक मटेरियल होता है, और ज्यादातर ऑर्गेनिज्म के पास जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो क्या होता है, डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो उस डीएनए को हम किस तरीके से सेल से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, उसको आइसोलेट करा जाता है, निकाला जाता है। तो जो डीएनए होता है, या जैसे डीएनए किसके साथ अटैच है, मतलब सेल मेम्ब्रेन से बाउंडेड हो गया, न्यूक्लियस के अंदर हो गया, तो वहां से डीएनए को निकालना। और डीएनए को निकाल लिया हमने, आइसोलेट कर लिया, लेकिन उसको हमें क्या लाना पड़ता है, एक प्योर फॉर्म में लाना पड़ता है, क्योंकि वो एक इम्प्योर फॉर्म में है। क्यों है इम्प्योर फॉर्म में, क्योंकि डीएनए के साथ क्या अटैच्ड है, मैक्रोमोलिक्यूल्स। जैसे डीएनए जो है किसके साथ बाइंड रहता है, हिस्टोन प्रोटीन के साथ, तो वो उसके साथ बाइंड हो गया, तो हमको सिर्फ क्या चाहिए, डीएनए, सिर्फ एक ओनली डीएनए सेगमेंट चाहिए, उसके साथ हमको कोई और भी मॉलिक्यूल नहीं चाहिए, ना आरएनए चाहिए, ना कोई प्रोटीन चाहिए। तो हमें प्रोटीन को भी रिमूव कराना पड़ेगा, अगर उसके साथ कोई साथ में आरएनए मॉलिक्यूल आ जाते हैं तो आरएनए को भी हटाना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से हमको क्या करना पड़ता है, पहले प्योर फॉर्म में लाना पड़ता है, और उसके लिए सबसे पहले आइसोलेट करने के लिए डीएनए को हमें क्या करना पड़ेगा, जो सेल की सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल है उनको हमें ब्रेक डाउन करना पड़ता है, उनको रिमूव कराना पड़ता है। तो इन सब प्रोसेस के लिए कुछ एंजाइम्स होते हैं, जो एंजाइम इनकी मेम्ब्रेन को, या फिर प्रोटीन है, आरएनए है, उनको डिकम्पोज कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, जिससे कि डीएनए हमको सिर्फ एक प्योर फॉर्म में सिंगल मिल जाता है। तो यहाँ पे डीएनए जो है, सबसे पहले हम क्या बताएंगे कि डीएनए को जैसे ऑर्गेनिज्म है, फंगस है, प्लांट है, एनिमल है, तो उनके लिए क्या हो गया, अलग अलग क्या है, उन सेल्स को अलग अलग ट्रीट करा जाता है एंजाइम से,
जैसे कि सबसे पहले हम सेल को ट्रीट करेंगे, सेल ट्रीटेड विथ एंजाइम्स, जैसे कि मैंने यहां पे तीन एंजाइम्स लिख रही हूं, लाइसोजाइम, ये किसके लिए हुआ, बैक्टीरिया के लिए। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन को रैप्चर करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज होगा, लाइसोजाइम। सेकेंड एंजाइम जैसे सेलुलेज, ये किसके लिए हो गया, प्लांट्स। थर्ड इसमें हमने ले लिया काइटिनेज, ये किसके लिए हो गया, फंगस। तो इनकी सेल वॉल को सेल मेम्ब्रेन को रिमूव करने के लिए हमें क्या एंजाइम चाहिए, लाइस, अगर बैक्टीरिया सेल है तो लाइसोजाइम्स, है ना, और अगर प्लांट सेल है तो सेलुलेज, और फंगस की सेल है तो क्या, किससे ट्रीट करेंगे उसको हम लोग, जो है काइटिनेज से। तो सबसे पहले सेल को हमने एंजाइम से ट्रीट करा। अब इन एंजाइम के ट्रीट होने के बाद हमको क्या मिल गया, डीएनए मिल गया। ठीक, डीएनए मिला, लेकिन उसके साथ क्या प्रेजेंट है यहां पर, विद मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, हमें डीएनए जो मिला है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स के साथ मिला है, इम्प्योर फॉर्म में मिला है। तो उसके साथ आरएनए अटैच्ड हो सकता है, प्रोटीन अटैच्ड हो सकते हैं। तो अगर जैसे डीएनए न्यूक्लियोसोम मॉडल होता है, तो न्यूक्लियोसोम में डीएनए के साथ प्रोटीन्स होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स। तो उन प्रोटीन्स को रिमूव कराने के लिए हमें किससे ट्रीट करना पड़ेगा, फॉर प्रोटीन के लिए किससे यूज करेंगे, प्रोटीएज। ठीक है, प्रोटीएज एंजाइम जो है वो क्या कर देता, कर देगा, प्रोटीन को रिमूव कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा। फिर उसके बाद अगर यहां पर आरएनए प्रोटीन है, सपोज सॉरी प्रोटीन कह रही हूं, आरएनए है प्रेजेंट, अगर हमें आरएनए को रिमूव करना है तो किससे ट्रीट करेंगे, फॉर आरएनए ट्रीट करेंगे किससे, राइबो न्यूक्लियस। तो अब देखिए, सेल को पहले हमने इन एंजाइम से ट्रीट करा जिससे सेल वॉल रिमूव हुई, उसके बाद हमने मैक्रोमोलिक्यूल से साथ में डीएनए के साथ, तो उसमें से प्रोटीन को रिमूव करने के लिए प्रोटीएज यूज करा, आरएनए को रिमूव करने के लिए हमने राइबो न्यूक्लियस यूज करा। अब इसके बाद जो डीएनए मिल रहा है हमको, हम उसके क्या करेंगे, डीएनए को हम क्या करेंगे, वहां पे जो मॉलिक्यूल्स मिले हैं उसको प्योरीफाई करने के लिए, प्रेसिपिटेट करने के लिए उसको हम क्या करते हैं, चिल्ड एथेनॉल में रख देते हैं। ठीक है, यानी कि जो यहां पर प्रेसिपिटेट फॉर्म मिल रहा है, डीएनए प्रेसिपिटेट है, उसको हम किस में रखेंगे, एडेड चिल्ड एथेनॉल। ठीक है, तो चिल्ड एथेनॉल मिल जाएगा, चिल्ड एथेनॉल के साथ डीएनए का प्रेसिपिटेट रख देंगे, जिससे कि हमको क्या मिल जाएगा लास्ट में, प्योर डीएनए। ठीक है, तो ये हुआ आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो इस आइसोलेशन से हमने क्या करा, डीएनए को हमने क्या करा, सेल से निकाल लिया। अब क्या होता है, सेकेंड स्टेप हमने क्या लिया था इसमें, फ्रेगमेंटेशन, है ना, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय, सेकेंड स्टेप लिख रही हूं मैं यहां, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स की हेल्प से क्या करते हैं, जो हमारे पास ये डीएनए आया है प्योर फॉर्म में, उसके हम लोग फ्रेगमेंट को, उसके सेगमेंट को, पर्टिकुलर सेगमेंट को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से क्या कर देंगे, कट करवा देंगे। ठीक है, तो इसमें जो है डीएनए जो है वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से पर्टिकुलर सेगमेंट को हम क्या करा सकते हैं, कट करा सकते हैं। तो जो प्योरिफाइड डीएनए है उसमें जो हमें उसकी पर्टिकुलर सेगमेंट चाहिए, जो रिक्वायर्ड है हमको, उस जीन्स के सेगमेंट के बेसिस पे हम लोग एंजाइम चूज करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और उससे उसे ट्रीट करके उससे वो पर्टिकुलर सेगमेंट कट कर देगा, और उस पर्टिकुलर सेगमेंट को फिर हम क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे, उससे हम लोग सेपरेट कराएंगे। तो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से क्या हो जाता है,
मतलब कि हम डीएनए में से पर्टिकुलर सेगमेंट को, पर्टिकुलर फ्रेगमेंट को अलग कट करा सकते हैं। उसके बाद हम थर्ड जो स्टेप लेते हैं वो क्या लेते हैं, थर्ड स्टेप आइसोलेशन ऑफ फ्रेगमेंट डीएनए। किसके थ्रू लेंगे हम, बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आप मेरी वीडियो जरूर देखिएगा इस चैप्टर की, उसमें मैंने पूरा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का मेथड पूरा एक्सप्लेन करा हुआ है, ठीक है। तो उसको किस तरीके से करते हैं वो पूरा उसमें एक्सप्लेनेशन है। तो इसमें मैं क्या बता रही हूं कि जो हमने यहाँ पे डीएनए को, प्योर डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट कराया, अब उस फ्रेगमेंट को हमें वहां से कैसे बाहर निकालना है, एक प्योर फॉर्म में एक स्मॉल फ्रेगमेंट को सिर्फ हम क्या करें उससे बाहर निकालें डीएनए से, तो वो किसके थ्रू होगा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू, ठीक है। इसमें इल्यूशन करते हैं, इसमें पहले उनको फ्रेगमेंट इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू उसके फ्रेगमेंट्स को साइज के अकॉर्डिंग अलग अलग कर लिया जाता है, और उसके बाद उसमें डाई स्टेन के थ्रू उसको कलर करते हैं, यूवी रेस पास करके डीएनए के फ्रेगमेंट शो होते हैं, फिर उसको वहां से कट करा दिया जाता है, इल्यूटेड करा दिया जाता है। तो ये प्रोसेस होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक। तो यहाँ पे ये तीन स्टेप्स हमने यहाँ कंप्लीट करे हैं, और इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे मैंने तीन स्टेप एक्सप्लेन करे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें जल्दी से, और उसको आप आगे की वीडियो ताकि आपको कंटिन्यू मिल सके, तो इस प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए और वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू।